50 किलो संगे मरमर से तराशी सुराईदार गर्दन वाली इनकी खटिया खड़ी करने वाली गुलाबी पंखड़ी आजा स्वागत है आजा आजा रे तो ये तुम्हारा कुटिया है? ये कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है और इस प्रेम नगर की तुम अफसरा हो। अरे अरे किसी टपोरी छोकरी को उठा कर लेकर आए हैं लोग और तारीफ तो ऐसे कर रहे जैसे वो मैडम ना हो। बोलो तुम्हारे आने से आंगन में बाहर आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा अच्छा काम वाली बाई लाए हैं। सुनो तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। अरे अरे तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? तू सबसे पहला काम। ओके मेरी एक बच्ची है, इनके 4 बच्चे, उनको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ भेजती हो। हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके नहीं आएगी। मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं तो सुनो जी कहते हुए गेट तक आना और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के गिलास में भर के अपनी आंखों से पिलाती जा, पिलाती जा, पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू खड़ी वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा जा। अरे यार इसको तो पसीना आ रहा है यार। पंखा लेके आ रहा हूँ, पंखा लेके आ रहा हूँ। पंखा ला रहा है। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आता हूँ शरबत। सुकेश जी तू दिन भर तीनों के घर में काम कर और रात को तीनों के आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे डिंग डांग डिंग डांग डिंग। अबे ओ काले मुक्का बंदर बहुत उछल कूद कर रहा है, ठहर मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है किधर? ये अभी। अरे क्यों जी? हाँ जी घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना पति की जो इज्जत है ना वो गई हवा खाने। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सलाम मर्द पे हाथ उठा के तू, आज मैं तेरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। यस आजा आजा साली, अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा समझे? तू क्या मेरे टुकड़े टुकड़े करेगा? मैं तेरे को खलास करेगी। संगे मरमर की मूरत भाग, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे वो भागे ना, चली गए ना, चली गए क्या कर रही है? अरे भागे मत, पड़ी पड़ उठ के मत, प्लास्टिक मार। अरे पैर पे लगा, पैर पे लगा रे, क्या कर रही है? अरे बात सुन, मेरी बात नहीं छोड़ेगी जब तक तू आपको खोटे डंडे से मत मार। ये बात है ए मैं बॉडी में कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं तू आता नहीं कूदता। अरे नहीं मत मत मत। अरे 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 मुझे मार। अरे किधर गया, किधर गया? हे चिपकली की औलाद बाहर निकल, किधर जाके चिपक गए दीवार पे? आज मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज है ना मैं तेरी जबान को ऐसे ककड़ी की तरह कट 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 के छोटे टुकड़े नहीं कर डालूंगी ना तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। किधर गया वो? विमला बहन सूरत वाली, तेरे को मार के काट के नहीं फेंका ना तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं सनाप चप्पू खोटे। अरे जा जा। ये तेरी तो ये रात ये जहाँ ये समझ क्या रखी तूने? हाँ अरे तेरे को अरे अरे क्या करेगी? अपने पति को मारेगी, अपने पति को मारेगी तू? पति बाजारी औरत को लेकर आता अपने आप को पति बोलते? अरे इस जीवन में तू मेरा पति रे ना रे, लेकिन मैं तेरे को इस जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। अरे भैया बचा मुझे, मैं गिर गया, मैं गिर गया। लेकिन आज मैं तेरे को जीता नहीं छोड़ूंगी। मेरे को मत मार मेरी बा, तू अंबे है, जगदंबे है, मैं तेरे पैर पड़ता मेरे को छोड़ दे। अब मैं तुझे देवी लगती हूँ, अब दिखाती हूँ मैं तुझे अप्पू खोटे। ए, ए, पागल हो क्यों? क्या क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? अरे
अरे तो मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी। अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे अरे तुम क्या कर रही हो? अरे कर कैसे बचती हो तुम? तू मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना वरना तुझे भी जान से मार डालूंगी मैं, बोल देती हूँ। इसको मुझे मैं उसको मार डालूंगी। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्ति क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोल ना, कुछ तो बोल। साला तू मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरा दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो कहते तुम्हारी पत्नियां है जो मेरे दुश्मन हो, तुम्हें मुझे बचा लिया। अरे क्या क्या कह रहे हैं? मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा। आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो देखो इसकी हालत, देखो इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। आइडिया, ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा, एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी माँ नहीं बन सकती। जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? मैं तुम्हारा सर काटूंगी। देखो ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुम्हें। अरे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को भी धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई है। अभी देखता हूँ उन्हें। अरे बाबा तेरे को मार देंगे, ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है, छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है, ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है। क्या? 100% गैंग का हाथ है। बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। अबे खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना, बहुत डेंजर लोग हैं। ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। देखो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर आओ, इधर यहाँ बैठो। ये तुम पागल हो गए हैं, हम लोगों नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी मच्छरदानी क्या करे तू? अरे रे 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 ले ले। नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने में बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली, ये अचानक काले का रूप धारण कर ली। इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ। तू मेरी बात सुनी यार। क्या? फिर से मार खाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के पटा के लॉलीपॉप दिखा के घर की चार दीवारी के अंदर ला के जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे, कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। हा? अरे मेरे घर की चार दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी सवारी बनवाएगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल,
तू हर बात पे डरता क्यों है? अंकल, अंकल, रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ बैठे किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।